सम्यक न्यूज लाईव्हच्या या बातमीपत्रामध्ये मी विजय निलंगेकर आपलं स्वागत करतो. पाहुयात सम्यक घडामोडी. आयडियल इन्स्टिट्यूट ऑफ बायोलॉजी नांदेड आणि लातूर लीडर इन बायोलॉजी. फिनिक्स मल्टी स्पेशालिटी हॉस्पिटल अँड क्रिटिकल केअर सेंटर शिवाजीनगर नांदेड. प्रयास करा, बच्चों ने बहुत ज्यादा मेहनत करी और मेहनत का फल मीठा मिला. मेरा एक चंद्रशेखर नहीं, मेरे अनेक चंद्रशेखर, सब मेरे बच्चे हैं, सब मेरे चंद्रशेखर. इन्होंने अपने भाई के लिए बहुत बड़ा योगदान दिया. पहले तो विजय को दिया था. और भैया मैं कहूँ ऐसे इसका योगदान करते रहे, इसके साथ इस खड़े रहे बरोबर, तो कुछ ना कुछ तो हुल होएगी, कुछ ना कुछ तो बनकर निकलेंगे, कहीं ना कहीं तो निकलेंगे. हाँ भाई, चंद्रशेखर ने लड़ाई तो शुरू करी नहीं, चंद्रशेखर ने लड़ाई नहीं शुरू करी, चंद्रशेखर को तो लड़वाया गया. हाँ, राजपूत सीधे साधे लोग हैं, ये आपकी भाषा नहीं समझते हैं. नॉर्मल पूछ रहे हैं आप, कैसे आपको आज कैसा लग रहा है इतने दिन बाद चंद्रशेखर? देखो, इन्होंने तो हमें बहुत पहले बलिदान कर दिया था, क्योंकि ये माँ है इसलिए थोड़ा सा जो है इनको परेशानी रहती, क्योंकि इन्होंने मुझे जन्म दिया. अदरवाइज माँ तो जो जितनी इस मिशन के जो लोग हैं उन सबकी माँ भी मेरी माँ है. तो मैं प्रयास करूँ किसी भी माँ को नाराजगी ना हो, किसी माँ को शिकायत ना हो. ये तो इसलिए थोड़ी सी वो है ना, क्योंकि इसे इसने कोक से पैदा किया, इसे थोड़ी सी इसे वो रहता है. ठीक, जब इतनी बार जेल आई मैंने इसे कहा कि तुम चले जाओ, तुम मत आया करो, मुझे दिक्कत होती है. क्या कहती थी जब जेल में आती थी मिलने के लिए? हाँ, बस घर पे बहुत सारी समस्या होती, बताती थी हमें, अच्छा नहीं लगता था. आठ बजे हाँ रीजन है ना भाई, हमने अपने नौजवान छोटे छोटे बच्चों को रोते देखा जेल में, जिनको निर्दोष बच्चों को उठा लाई पुलिस सिर्फ जाति के नाम पे पकड़ के. ये न्याय नहीं हो सकता. आपको आपको मुझसे दिक्कत है, आप मुझे गिरफ्तार करते, उन लोग गिरफ्तार करते जो लोग दोषी थे. हाल फिलहाल तो आप साबित ही नहीं कर सकते कोर्ट में, क्योंकि हमारा दोषी नहीं है. एक तरफ तो सरकार हमसे मदद लेती है, क्योंकि हमारे लोग हमारी बात मानते हैं वो रुक जाते हैं, दूसरा हमें गिरफ्तार कर लेती है. हमारी समझ में एक सीधी बात आती है, पुलिस या प्रशासन या सरकार जब किसी को बचाती है ना, तो पुलिस को पार्टी बना देती है. अब हम प्रयास करेंगे कि हमारे आंदोलन किसी भी सूरत में सरकार या प्रशासन हिंसक ना करा पाए, जो करवाती है हमेशा. हम कॉन्स्टिट्यूशन वे में आंदोलन करेंगे, लेकिन किसी भी सूरत में कोई भी अन्याय होगा देश में कहीं भी बहुजनों पे, तो हम लोग किसी सूरत में चुप नहीं रहेंगे. अपनी आवाज बुलंद करेंगे, न्याय दिलाने के लिए तब तक लड़ते रहेंगे जब तक न्याय नहीं होगा. और हमें कोई डर नहीं, गवर्नमेंट हमें लाठी मारे, जेल भेजे, राशुका लगा दे. और मैं तो बिल्कुल एक चीज कहना चाह रहा था, मुझे पूरा भरोसा है सरकार एक दो दिन में कुछ करवा के अगले 10 दिन के अंदर, और उसका आरोप मेरे ऊपर मंड के फिर से कहेगी भैया को राशुका में कर दो, क्योंकि मुझसे चुनाव बचाना चाहती है. आपको 2 महीने पहले रिहा कर दिया, क्या इसके पीछे क्या मानना? मुझे लग रहा है सरकार ने कोई प्लानिंग कर ली है कि इसको और कहीं फंसा देंगे, तो राशु की डिटेंशन पूरी और तो नहीं लगा देंगे साल भर के लिए. और डरते हैं, असल में ये जो है ईमानदार खून से डर लगता है उन लोगों को. पुन्हा भेटू थोड्या वेळाने, तोपर्यंत जय भीम. पाहत रहा सम्यक न्यूज लाईव्ह. बातमी पाहण्यासाठी यूट्यूबवर सबस्क्राईब करा.